अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल। टेक न्यूज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ फैज़ान ज़फ़र। तो सबसे पहले गूगल की जानिब से एक नई अपडेट है। गूगल ने एक न्यू सर्च इंजन लॉन्च की है जिसके अंदर आप साइंटिफिक जो हैं साइंटिफिक फील्ड के लोग वो अपने मखसूस डेटाबेस तक एक्सेस कर सकते हैं और जल्द ही वो उसके बारे में मज़ीद मालूमात के बारे में बता देंगे। इसके अलावा जी एक नई स्टडी रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक के बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल्स के अंदर फेसबुक एप्लीकेशन को रिमूव कर दी है और उन्होंने फेसबुक ऐप से ब्रेक हासिल कर ली है। नेक्स्ट अपडेट हवावे होनर 8X मैक्स की जानिब से है। तो ये अभी लॉन्च हो चुका है और इसकी 7 इंच स्क्रीन और टिनी नॉच के साथ ये अभी आपको मार्केट में नज़र आ जाएगा। इसके अलावा फेयरफॉक्स की जानिब से एक अपडेट है कि इसने एक ऑटोमेटिक डार्क थीम यानी जो नाइट थीम होती है वो मैक ओएस और जो थर्ड पार्टी ट्रैकर्स हैं एंड्रॉयड के लिए उनके हवाले से इसने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आई मैक्स की जानिब से है। तो इन्होंने एक AV सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अपने होम सेटअप्स के लिए इन्होंने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट अमेज़ोन की जानिब से है। तो अमेज़ोन ने अपग्रेड कर दिया है अपने HD8 टैबलेट के अंदर फ्रंट फेसिंग कैमरे को। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट अमेज़ोन ने कर दी है अपने नए अपने जो टैबलेट है उसके अंदर। हमने एक रिपोर्ट्स के मुताबिक IBM जो है वो सीक्रेटली न्यूयॉर्क से जो CCTV कैमरा है उनको इस्तेमाल करती है और जो सिविलिस हैं सॉफ्टवेयर्स हैं उनको उन कैमराज की मदद से ट्रेन करती है ताकि वो मुख्तलिफ जो लोगों को हैं वो कम्प्लीटली जान सकें और उनको पहचानने की सलीहियत उनकी तेज़ हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्तलिफ जो विंडो 10 की अपडेट्स हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ कंप्यूटर स्लो हो रहे थे और उनकी बहुत सी कंप्लेंट्स इनको मिल रही थी, तो इसको उन्होंने हल करने के लिए कह दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको कंप्लेंस इस हवाले से मिल चुकी थी। फूजी फिल्म जो कंपनी है इनकी जानिब से XT3 मिररलेस कैमरा तो इन्होंने अपग्रेड कर दिया है अपने सिस्टम के अंदर। DJI Mavic 2 Pro ने अपडेट कर दिया है अपने ड्रोन के अंदर जूम और फोटोग्राफी के फीचर को। तो अब आपको बहुत ही अच्छा जूम और बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी करने को मिलेगी। इजिप्ट के अंदर जो अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो आपको एंटी साइबर क्राइम लॉ की वजह से आपको जेल हो सकती है। तो ये नया लॉ अपडेट हुआ है इजिप्ट के अंदर। तो अगर आप इजिप्ट में रहते हैं और VPN यूज़ करते हैं मुख्तलिफ साइट्स को खोलने के लिए तो अब आपको जेल हो सकती थी। तो आज के लिए यही अपडेट्स थी। मिलते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।